हैदराबाद के सिविल लाइन्स स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे विद्यालय के फाइनेंशियल ट्रस्टी मनोज आहूजा, महेंद्र कुमार अग्रवाल, राजकुमार अरोड़ा, दीपक बजाज एवं उप प्रधानाचार्य निश्चमा सौरभ पाठक के करकमलों से ध्वजारोहण के साथ ही समारोह का शुभारंभ हुआ। सफेद यूनिफॉर्म में सजे स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट के साथ झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कार्यक्रम की प्रत्येक प्रस्तुति ने जमकर तालियां बटोरी। जूनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा भारत हमको जान से प्यारा है के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। लहरा दो तिरंगा गीत पर छात्र छात्राओं द्वारा शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मास पीटी समूह गीत सभी देशभक्ति के रंगों में सराबोर थे। छात्रों द्वारा देशभक्ति गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को एक नए जोश एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर दिया। पीएमएस बैंड के छात्रों ने अपनी ओजपूर्ण प्रस्तुति दिन आजादी का के द्वारा देश के नागरिकों को एकजुट होने का संदेश दिया। कक्षा 10 की छात्रा ने हिंदी शिक्षिका अनुपमा सक्सेना द्वारा रचित कविता के माध्यम से उपस्थित दर्शक समूह को देश के सशक्तिकरण का संदेश दिया। हिंदी शिक्षिका बबीता जखमोला ने अपनी ओजपूर्ण कविता से स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाया। स्केटिंग के दमदार प्रस्तुति ने छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का परिचय दिया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य निश्चमा सौरभ पाठक ने अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हुई देश की आजादी की गौरवपूर्ण गाथा से छात्रों को परिचित कराया और अपील की कि स्वतंत्रता की रक्षा तथा गणतंत्र की गरिमा को बचाए रखना ही किसी भी देशभक्त का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। देश के भावी कर्णधार होने के नाते विद्यार्थियों को इस महती जिम्मेदारी का पूर्ण समर्पण तथा निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना होगा, तभी देश की स्वतंत्र पहचान तथा अस्मिता को अक्षुण रखा जा सकेगा। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12 के छात्र अर्चित अग्रवाल तथा छात्रा नबा सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक तथा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह का समापन मिष्ठान वितरण के साथ हुआ। So I welcome you all with a namaskar.